8 सूत्रीय मांग को लेकर विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले विद्युत संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा, जिसका नेतृत्व करते हुए संगठन के क्षेत्र सचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग द्वारा निविदा कर्मियों से काम के बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे विद्युत बिल वसूली में लगे ऑपरेटरों का हाल बेहाल है। उन्होंने सभी कर्मियों के मानदेय के भुगतान की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के क्षेत्र सचिव संदीप श्रीवास्तव ने कहा, संदीप श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सचिव विद्युत मजदूर पंचायत गोरखपुर। विद्युत मजदूर पंचायत के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांग हमारी मांग है कि गोरखपुर में राजस्व संग्रह केंद्र पर जो ऑपरेटर सर्थी हमारे काम कर रहे हैं, इनको 4-4 महीने से आधा अधूरा पैसा अभी दिया भी नहीं गया है, और जो पीछे दिया गया है वो पूरा नहीं दिया गया है। उनको 7800 रुपये दिया जा रहा है, जो कि इनका वेतन 14,500 के आसपास है। इसमें कमीशनखोरी अधीक्षक अभियंता और ठेकेदार के बीच चल रही है, जो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चौथे दिन ये हम लगातार ये चल रहा है हमारा शुक्रवार से ही, और नियुक्ति है इनकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं, टेंडर के माध्यम से ही कार्य कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इनको नियमित भी किया जाए। और इनको कितने ऑपरेटर यहाँ पे महानगर में 28 ऑपरेटर अभी हैं, लेकिन ये 32 का एग्रीमेंट किए हैं और 4 ऑपरेटर का भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ बैठे हैं, किसका पैसा कौन ले रहा है। काम क्या है इनका? इनका काम है राजस्व संग्रह पे जो बिल जमा होता है उसका ये कैश लेते हैं, ये और TG2 की ID से चलाते हैं, ये कैश अपना ID चलाते हैं, अपना कैश जमा करते हैं। विद्युत बिल केंद्रों पे इनका ड्यूटी? हाँ, विद्युत बिल केंद्र, राजस्व संग्रह बिल केंद्र पर जहाँ पे उपभोक्ता बिल जमा करता है वहाँ इनकी ड्यूटी है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं, कितने महीनों से? ये विगत कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बदलती रहती है, और अगस्त से नई कंपनी आई है व्हाइट हाउस करके, और वो वेतन पूरा देने रही है। अक्टूबर तक शायद 3 महीने तक वेतन दिया है, इसके बाद इनका कोई वेतन नहीं दिया गया है। तो लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि निकाल दिए गए? नहीं, निकालने दिए गए हैं, 4 दिन से ये आंदोलन कर रहे हैं अधीक्षक अभियंता के कार्यालय पर। विद्युत बिल प्रभावित हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से प्रभावित होगा। कल हमारे TG2 के साथी के भी आंदोलन पे कल कोई बिल नहीं जमा हुआ होगा, पूरे शहर में कोई एक भी बिल नहीं जमा हुआ होगा। तो क्या मांग है, कब तक आंदोलन? जब तक हमारी आंदोलन ये चलेगा, इनको वेतन का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम आंदोलन ये चलाएंगे।